अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका अपना अस्कर अली और आप देख रहे हैं चैनल टेक्निकल बाजवा। दोस्तों यहां पर कंपैरिजन करने वाले हैं हम आज टेक्नो कैमन 30 का और इन्फिनिक्स नोट 40 का। तो दोनों का देखेंगे, यहां पर स्पीड टेस्ट करेंगे, कैमरा कंपैरिजन करेंगे, फुली डिटेल से दिखाएंगे कि आपको आपके लिए बेस्ट फ़ोन कौन सा देगा। तो वीडियो को मिली देखेगा, चैनल में सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन क्लिक करेंगे तो आपको एक नहीं काफ़ी फायदे होने वाले हैं। अनबॉक्सिंग, कंपैरिजन, रिव्यूज़, पबजी टेस्ट, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आपको इसी चैनल पर टाइम पर देखने को मिल जाएगा। तो सबसे पहले डिज़ाइनिंग देखें तो यहाँ पर आपको ग्लास बैक मिलता है इन्फिनिक्स नोट 40 में, और वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। कैमन 30 में आपको प्लास्टिक बैक मिलता है, वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं मिलता। और प्राइसिंग की बात करें तो 55,000 पे प्राइस है इन्फिनिक्स नोट 40 की। यहाँ पर आपको 8GB 256GB वाला वेरिएंट मिल जाता है। प्रोसेसर मीडिया टेक हेलियो G99 अल्टीमेट मिलता है। 45 वोट की चार्जिंग मिलती है और 5000mAh की बैटरी मिलती है। जबकि कैमन 30 आपको 63,000 रुपये की प्राइस मिलता है, 8,000 ऊपर मिलता है प्राइस में। 12GB 256GB और प्रोसेसर यही सेम मिलता है मीडिया टेक हेलियो G99 अल्टीमेट वाला। 5000mAh की बैटरी और 70W की फास्ट चार्जिंग है। तो यहाँ पर प्लास्टिक बॉडी रखी गई है और चार्जिंग जो है 70W कर दी गई है। तो इसके साथ साथ कैमराज देखें तो 108MP का कैमरा आपको ट्रिपल रेल कैमरा इन्फिनिक्स में मिलता है, और यहाँ पर 50MP का ड्यूल कैमरा देखने को मिल जाता है। लेकिन सोनी का सेंसर है ये इंक्लूड किया गया यहाँ पर टेक्नो में। और साइड पर देखें बिल्कुल फ्लैट आपको मिलते हैं दोनों फ़ोन्स, और टाइप सी की चार्जिंग केबल दोनों में ही मिल जाती है, और दोनों में ही ड्यूल स्पीकर का सपोर्ट आपको देखने को मिलता है। यहाँ पर अगर देखें डिस्प्ले की बात तो डिस्प्ले आपको बिल्कुल सेम टू सेम मिलता है, बेजल्स वगैरह भी और डिस्प्ले के साइजेस वगैरह भी। यहाँ पर दोनों में ही एमोलेड डिस्प्ले है, 120Hz वाला 6.78 इंचेस का डिस्प्ले दोनों में सेम टू सेम दिया गया 120Hz। बट यहाँ पर आपको अगर डिफरेंस देखने को मिलता है वो ये है कि यहाँ पर 50MP की सेल्फी आपको इन्फिनिक्स टेक्नो में देखने को मिल जाती है सेल्फी 50MP की, यहाँ पर 32MP की सेल्फी देखने को मिल जाती है इन्फिनिक्स नोट 40 में। ये चीज़ में डिफरेंस दिया गया है। बाकी सॉफ्टवेयर देखिए, सॉफ्टवेयर लगभग इनका सेम ही है दोस्तों, नाम ही चेंज है। XOX 14 वर्जन यहाँ पर iOS 14 है, और एंड्रॉयड 14 पर दोनों ही फ़ोन्स आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर दोनों फ़ोन्स को ऑन करते हैं, देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा। यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा पहले ऑन हो गया है और साथ ही इन्फिनिक्स ने भी ऑन कर लिया है। भाई हम स्पीड टेस्ट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैसेज ऑप्शन, तो मैसेज में यहाँ पर टेक्नो थोड़ा फास्ट रहा। कैमरा ऑप्शन, कैमरा में सेम। उसके बाद गूगल क्रोम, तो गूगल में टेक्नो थोड़ा सा आगे रहा। और सेटिंग ऑप्शन, इन्फिनिक्स ने थोड़ा सा पहले प्ले किया। यहाँ पर प्ले स्टोर टेक्नो ने पहले ऑन किया, साथ ही इन्फिनिक्स। उसके बाद टिकटॉक यहाँ पर पहले ओपन की टेक्नो ने। और उसके साथ अगर देखिए यहाँ पर गूगल ऑप्शन, तो गूगल भी टेक्नो ने पहले यहाँ पर ऑन किया, देख सकते हैं। उसके बाद YouTube भी यहाँ पर टेक्नो ने पहले ऑन की। अब G99 है दोनों में, वो रैम का थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है, इस वजह से शायद हो सकता है। यहाँ पर गेमिंग पर आ जाते हैं, एट बॉल पूल में भी थोड़ा सा आ गया भाई टेक्नो। यहाँ पर कैंडी क्रश, कैंडी क्रश में भी टेक्नो थोड़ा फास्ट है। टेम्पल रन टू में थोड़ा सा इन्फिनिक्स आगे चला गया है। और इसके साथ सबवे सर्फर, तो यहाँ पर टेक्नो थोड़ा सा आगे रह गया भाई। सोनिक डैश में भी टेक्नो थोड़ा सा आगे। स्पीड का मामला पता नहीं कैसा है, G99 है दोनों में, लेकिन थोड़ा सा ये फास्ट रहा यहाँ पर टेक्नो का सिस्टम वगैरह। पता नहीं रैम की वजह से या क्या चक्कर है, ये नहीं पता लगा। बट ये है कि इतना बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा परफॉर्मेंस में। अगर पबजी वगैरह खेलेंगे तो सेम ही वर्क करने वाले हैं। यहाँ पर वही स्क्रीन फिंगरप्रिंट है दोनों में, ये चेक कर लेते हैं। तो सेम ही वर्किंग है दोनों की, सेम ही है। फेस आईडी देखें तो फेस आईडी भी सेम वर्क कर रही है।
सेम ही है दोस्तों, फेस आईडी का मामला भी इतना कोई बड़ा डिफरेंस नहीं आ रहा दोस्तों। यहाँ पर दोनों फोन्स का बैक कैमरा आप देख सकते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि M30 में सोनी का सेंसर है, बट यहाँ पर रिजल्ट आपको देख सकते हैं। डे लाइट में हमने काफ़ी देखने की कोशिश की दोस्तों। यहाँ पर अगर देखें दोनों फोटोज़ में, तो डे लाइट में आसमान का कलर या नॉर्मल कलर आप देखें थोड़ा डार्क कर रहा है M30, जबकि थोड़े से वाइब्रेंट कलर आपको इन्फिनिक्स नोट 40 में मिल जाते हैं। बट कहीं जगह पर जो है वाइटनेस काफ़ी ज़्यादा आ जाती है, ओवर एक्सपोज भी हो जाता है यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 40 का कलर, बट वाइब्रेंट थोड़े से कलर आपको मिलेंगे। लेकिन डिटेलिंग में अगर कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा, वैसा कोई इतना खास डिफरेंस आपको नहीं मिलेगा, बट कलर्स में आपको बड़ा डिफरेंस मिलेगा दोस्तों। यहाँ पर डार्कनेस काफ़ी आती है, कहीं कहीं पर डिटेलिंग M30 में आ जाती है ज़्यादा, बट बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। नोट 40 फोटोज़ भी देखने में आई कैची कलर्स आपको देखने को मिलते हैं। लो लाइट की बात करेंगे तो लो लाइट में आपको कलर्स वगैरह दोनों के ठीक मिलते हैं। M30 में थोड़े से डार्कनेस सी मिल जाती है कलर्स वगैरह के हिसाब से, वाइब्रेट नहीं किए गए कलर्स, तो उस हिसाब से काफ़ी ऑप्टिमाइजेशन करने की ज़रूरत थी M30 के कैमरा में। और नोट 40 का भी देख सकते हैं दोस्तों आप, डिटेलिंग वगैरह तो ठीक है, बट आपको यहाँ पर वाइटनेस कहीं कहीं पर ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल कैमराज अगर दोनों का देखें तो बहुत ज़्यादा अच्छे कैमराज नहीं है, बट ये M30 से नोट 40 का कैमरा बैक कुछ हद तक मुझे बेहतर लगा। तो यहाँ पर कलरिंग के हिसाब से भी फ्रंट कैमरा देखिए, फ्रंट कैमरा के हिसाब से 50 मेगापिक्सल है हालांकि यहाँ पर M30 का कैमरा, बट यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आपको दिखाई नहीं देगा। उस हिसाब से काफ़ी जगह पर आपको डिटेलिंग एंड थोड़ी सी डार्कनेस, पिक्चर की क्वालिटी जो है वो M30 की बेहतर मिल जाती है, बट कलर्स वगैरह जो हैं वो इन्फिनिक्स नोट 40 के डे लाइट में काफ़ी ज़्यादा अच्छे मुझे दिखाई दिए काफ़ी फ़ोटोज़ में। हालांकि येलो स्टोन भी काफ़ी जगह पर नज़र आई, काफ़ी जगह पर थोड़ी सी ब्लरी फ़ोटोज़ भी नज़र आई, बट नोट 40 इतना बेहतर काम नहीं कर रहा था। M30 से कुछ हद तक बेहतर आप कह सकते हैं, बट थोड़ी सी नेचुरल फ़ोटो आपको M30 में मिल रही थी। लो लाइट में भी देखेंगे, लो लाइट में भी कुछ इस तरीके का मामला है। यहाँ पर आपको M30 फ़ोटो जो है काफ़ी हद तक नेचुरल मिलेगी और थोड़ी सी डिटेलिंग भी आप कुछ हद तक ज़्यादा कह सकते हैं लो लाइट के मामले में। बट यहाँ पर नोट 40 थोड़ी सी ब्राइटनेस वगैरह और कलर टोन जो है वो कुछ हद तक नोट 40 के फ्रंट कैमरा की बेहतर लगी दोस्तों। मजीद आप देखकर बता सकते हैं, कैमरा का रिजल्ट देख सकते हैं दोनों फोन्स का। यहाँ पर 1080p और 2K तक रिकॉर्डिंग की सपोर्ट दी गई है दोस्तों। और यहाँ पर कैमराज का देखिए एक्सपोजर का तो दोनों में इशू नज़र आ रहा है। यहाँ पर OIS का सपोर्ट तो दोनों में नज़र आता है, और दोनों में खैर नहीं टेक्नो में, बट यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग जो है वो थोड़ी सी टेक्नो में ज़्यादा नज़र आती है, यहाँ पर इन्फिनिक्स में ज़्यादा बेहतर नज़र आती है लाइट कैप्चरिंग का मामला। बट यहाँ पर रिज़ल्ट कुछ हद तक शार्प जो है वो हमें टेक्नो का नज़र आ रहा है, बट आप देख कर बताइएगा किसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा बेहतर लग रहा है और एक्सपोजर कम ज़्यादा होता हुआ भी दिखाई देगा आपको। बैक दोस्तों 2K रिकॉर्डिंग दोनों को सपोर्ट करती है, और यहाँ पर अगर ऑप्टिमाइजेशन देखें और कैमरा का रिजल्ट देखें तो थोड़ी सी यहाँ पर लाइट कैप्चरिंग वगैरह कुछ हद तक ठीक है, लेकिन एक्सपोजर का इशू दोस्तों दोनों में नज़र आ रहा है। OIS का सपोर्ट यहाँ पर आपको टेक्नो में मिलता है, लेकिन ज़्यादा डिटेलिंग भी थोड़ी सी मिल जाती है टेक्नो में। बैक कैमरा पे यहाँ पर अगर देखिए, ये देख सकते हैं कलर्स वगैरह, लेकिन थोड़े से शार्प कलर्स आपको इन्फिनिक्स में भी मिलते हैं, लेकिन ओवर सेचुरेटेड हो जाते हैं इन्फिनिक्स के कलर। यहाँ पर इन्फिनिक्स के मुकाबले में तो कुछ हद तक बेहतर है दोस्तों टेक्नो का बैक कैमरा। यहाँ पर देख सकते हैं फोकस का इशू इन्फिनिक्स में। फ्रंट कैमरा दोनों का देख सकते हैं, दोनों का डे लाइट में फ्रंट ऑफ सनलाइट एंड बैक ऑफ सनलाइट कुछ ऐसा रिजल्ट है। यहाँ पर थोड़ा इंडोर लाइट्स में आ जाते हैं तो रिजल्ट का मामला दोस्तों आप देख सकते हैं कि कुछ यहाँ पर फोकस का इशू तो आपको लग रहा है इन्फिनिक्स के कैमरा में, मैंने पहले ही बताया था, तो उसके हवाले से दोस्तों क्लियर थोड़ा सा रिजल्ट यहाँ पर आपको टेक्नो का मिलता है। बट यहाँ पर अगर देखा जाए कलरिंग का मामला तो थोड़ी वाइटनेस आपको मिल जाती है, कलर टोन जो है वो कुछ इन्फिनिक्स की बेहतर मिलती है, बट ज़्यादा ओवर कलर्स हो जाते हैं, और फ्रंट कैमरा यहाँ पर क्लियर जो है वो टेक्नो का ज़्यादा अच्छा है। कैमरा देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 32 और यहाँ पर 50 है, लेकिन दोस्तों फोकस का इशू इन्फिनिक्स में आपको नजर आएगा। ये देखिए बहुत ज़्यादा फोकस का इशू है, इंडोर लाइट में बना रहे हैं हम, यहाँ पर रूम लाइट में, लो लाइट में, तो यहाँ पर आपको साफ साफ देख सक रहे हैं कि कैमरा ज़्यादा शार्प जो है वो आपको टेक्नो का नज़र आएगा। यहाँ पर लो लाइट में बिल्कुल ही फोकस काम नहीं कर रहा इन्फिनिक्स का, तो ये चीज़ दोस्तों फैसला आप कर ही सकते हैं और वॉइस की क्वालिटी भी सुन सकते हैं। फाइनल रिकमेंडेशन देना चाहूँगा दोस्तों, M30 की प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा थी, लेकिन अब कम हुई है प्राइस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो फिर भी आपको नोट 40 जो है वो काफ़ी हद तक
बेहतर दिखाई देगा। कैमरास के मामले में देख लें या बैक जो है वायरलेस चार्जिंग का मामला भी देखें, बाकी इतना बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप कहें तो वैसा आपको दिखाई नहीं दिया, बट डिज़ाइनिंग के मामले में भी कैमन 30 से नोट 40 को लोगों ने ज़्यादा पसंद किया। अब आपके क्या रिकमेंडेशन दोनों फ़ोन्स के बारे में कमेंट्स में बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए चाहता हूँ आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।